पर एक ग्रेटर नोएडा को कैसे स्मार्ट सिटी, कैसे एक खुश और खुशहाल ग्रेटर नोएडा शहर के तौर पर विकसित किया जाए, आज उस पर एक यहाँ पर विकास गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी मुख्य अतिथि थे व सम्मानित विधायकगण माननीय विधायक दादरी व माननीय विधायक जेवर यहाँ पर विशिष्ट अतिथि थे। अभी उन्होंने उस पर उद्बोधन किया और एक्सपर्ट्स के माध्यम से इस बात पर चर्चा की गई कि ग्रेटर नोएडा को एक स्मार्ट सिटी व खुशहाल सिटी के तौर पर विकसित किए जाने के लिए और क्या कदम उठाए जाने हैं। सर, क्या क्या चैलेंजेस अभी क्या क्या चैलेंजेस आप और भी देखते हैं और क्या क्या प्लानिंग की जा रही है अथॉरिटी की तरफ से ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके आने वाले दिनों में? ग्रेटर नोएडा का डिज़ाइन एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये एक फ्यूचर सिटी के तौर पर विकसित किया गया है। इसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें, बहुत अच्छी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कनेक्टिविटी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। परंतु ऐसे एक शहर में जब वो शहर शैशव काल से अपनी युवावस्था की तरफ बढ़ता है तो एक हमेशा चैलेंज होता है कि इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना भी उतना ही कठिन कार्य होता है। ग्रेटर नोएडा के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज उसे एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से मेंटेन करना, उसको और आगे विकसित करना। ये ग्रेटर नोएडा एक औद्योगिक टाउनशिप के तौर पर विकसित किया गया है, अतः यहाँ पर निवेश के अच्छे साधन क्रिएट करके निवेश आकर्षित करना। आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेटर नोएडा में देश विदेश सभी जगह से निवेश आकर्षित हुआ है और ग्रेटर नोएडा एक मोबाइल के हब के तौर पर, एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग के हब के तौर पर उभरा है। यहाँ तक कि दुनिया के लगभग एक तिहाई मोबाइल आपको एक वर्ष में इस क्षेत्र में बनते हुए मिलेंगे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स वाइट गुड जिसमें रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स इत्यादि शामिल हैं, इंडिया की पहली टॉप 5 कंपनियाँ आपको इसी क्षेत्र में ये निर्माण करते हुए मिलेंगी। औद्योगिक टाउनशिप के बाद यहाँ पे निवेश की और संभावनाओं के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो लोग आकर यहाँ पर रहते हैं अपना आशियाना बनाते हैं उनके लिए ईज ऑफ लिविंग ये सुविधाएं भी क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके लिए स्मार्ट सिटी के डिफरेंट कंपोनेंट, उसके अलग अलग तरह के कंपोनेंट यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं जिसमें अवस्थापना सुविधाओं को अच्छे ढंग से लागू करने के अलावा कई अन्य सुविधाएँ जैसे फ्री वाईफाई की सुविधाएँ, उनके खेलने के लिए स्पोर्ट्स की सुविधा, उनके लेज़र के लिए शॉपिंग मॉल और एंटरटेनमेंट की सुविधाएं, और ये ग्रेटर नोएडा कार्निवल जो इस अवसर पर आयोजित किया गया उसी की एक उदाहरण पेश करता है। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।